दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप इंटर हो जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपको भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अपने यूज़र नेम देना है, अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है दोबारा, और हुआ पासवर्ड को रिपीट करना है, और Dogecoin एड्रेस देना है। Dogecoin एड्रेस कहाँ पर मिलेगा? आप Dogecoin के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप रजिस्टर करके आप वहाँ पर अपना वॉलेट बना सकते हैं। जब आप बनाने के बाद फिर आप दोबारा आपने क्या करना होता है, लॉगिन होना होता है। लॉगिन होने के बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मांगी जाती है, वो आपसे Dogecoin का वॉलेट मांगा जाता है। इसके बाद आपने जो पासवर्ड दिया होता है वो मांगा जाता है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ। आपने क्या करना, लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और तरीके अलग तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं कल से इस पर रजिस्टर हो चुका हूँ। देखिए मेरी अर्निंग अभी शुरू है, 0.05 Dogecoin है अभी। Dogecoin जो है मेरी लो प्राइस में है, मतलब जिस तरीके से बिटकॉइन आई थी वो भी पहले इसी माइनिंग उसकी बड़ी इजी थी, लेकिन जब उसकी प्राइस हाई हो गई, उसकी माइनिंग भी सख्त हो गई। अब तो पाकिस्तानी रुपए में आप अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो 70 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए एक बिटकॉइन की बनती है। अभी Dogecoin जो है ना 0.05 डॉलर का है, यानी पाकिस्तानी रुपए में 50 रुपये का एक Dogecoin मिलता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस हाई होती है और आप इसको माइन कर चुके होते हैं, उसके आपके पास कुछ 10, 20, 30 जितने भी Dogecoin होते हैं, तो आपकी अगर ये हाई हो जाता है, अगर ये हाई हो जाता है तो आपको जितनी भी Dogecoin है वो प्रॉफिट में बढ़ेंगे। इसकी माइनिंग भी फ्री है, बड़ा इजी तरीका है। बस आपने इस पर अपना एड्रेस और लॉगिन होना था और होना होता है। एक दफ़ा आप रजिस्टर करें, लॉगिन हो जाए, फिर जब ये स्टार्ट हो जाए, फिर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी उसको खोलें तो आपकी माइनिंग शुरू हो चुकी होती है और रुकती नहीं है, चाहे आप इसको यूज़ करें या नहीं यूज़ करें। लिंक का डिस्क्रिप्शन मैंने वेबसाइट का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।